हेलो दोस्तों, मैं चंद्रमा चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और ये देखिए, मैं आज जोगी टेकरी से यहां करीब 20-25 किलोमीटर आगे एक दुधी आश्रम है मैया जी के किनारे। इस किनारे पर मैं रुका हुआ था इस आश्रम में। तो सुबह का समय है और आप भी मैया जी के दर्शन कीजिए, मैंने भी दर्शन कीजिए और यहाँ से मेरी आगे की यात्रा शुरू होती है। और अभी यहाँ से अमरकंटक जो है 87 किलोमीटर की दूरी पर है। तो देखते हैं, आज तो हम नहीं पहुँच पाएंगे, आज शाम तक जहाँ तक चलते हैं चलेंगे। और क्योंकि ये रोड चलने को तो हम एक दिन में पहुँच जाते, लेकिन जो यहाँ रोड है ऊंचा नीचा खाई सिस्टम है, घाटी है, तो इसलिए हम कल ही शाम तक पहुँच पाएंगे। तो चलिए करते हैं मैया जी के दर्शन और आपको भी कराते हैं। सुबह का समय है और ये सब परिक्रमार्थी बैठे हुए हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा है और ये इस तरह का आश्रम है। और ये सामने मैया जी कल बहती हुई। और ये हमारी साइकिल लगेज पूरा कंप्लीट हो चुका है और चलते हैं, हम आज की यात्रा शुरू करते हैं। और जहाँ हम रुके थे यहाँ पर आज काफ़ी लोग आए हुए थे, करीब 50-60 लोग थे। ये तख्त था, यहाँ हमने अपना टेंट लगाया हुआ था। ये महाराज जी हैं, ये भी चलने की तैयारी कर रहे हैं। ये रूम नर्मदे हर महाराज, तो ये पूरा रूम पैक था और भी पूरा पैक था। और बाहर गाड़ियाँ लगाई हुई थी। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये रसोई घर है और यहीं रात्रि को हमने प्रसादी ग्रहण की थी इसमें। और ये सामने मंदिर है। मैया जी नर्मदा जी का मंदिर। और ये जो हॉल देख रहे हैं, ये रात को पूरा हॉल पैक था। यहाँ सारे परिक्रमार्थी रुके हुए थे, सब जा चुके हैं, अपने व्हीकल से आए थे वो लोग। देखिए दोस्तों, अभी हम दुधी आश्रम से हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है और यहाँ से जो अभी मेन रोड है वो करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो कुछ दूर ये सीमेंटेड रोड है, फिर उसके बाद ये कच्चा रोड आ जाएगा, ऊबड़ खाबड़ ईंट पत्थर वाला। हमें पैदल भी ही चलना है। फिर उस 1.5 किलोमीटर चलने के बाद हमें फिर रोड मिलेगा। तो अमरकंटक तक हमारी स्थिति यही रहेगी कि कहीं उतार कहीं चढ़ाव। तो हमें अधिकतर पे आज भी और कल भी पैदल राइड ही करनी है। और यहाँ से 88 किलोमीटर की दूरी पर है अमरकंटक। वैसे हम एक ही दिन में पहुँच जाते, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र है, कभी ऊंचा कभी चढ़ाई कभी ऊंचा चढ़ाई, तो इसलिए हम इसको 2 दिन में ही पार कर पाएंगे। क्योंकि अधिक आधे से ज़्यादा रास्ता हमें पैदल चलना है। दोस्तों अब हम मेन रोड पर आ गए हैं। आश्रम वाला रोड हमने छोड़ दिया है, ये कच्चा रोड था, आधा सीमेंटेड था। तो अब हम रोड पर आते हैं, लेकिन रोड पर आते ही फिर खड़ी चढ़ाई है, हमें पैदल ही चलना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, हमने गर्म कपड़े उतार दिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, पसीना आ रहा था। और अब हम अपने उसी निक्कर और बनियान में आ गए हैं। तो सुबह का समय है, 9:30 बज रहे हैं और
कोशिश करते हैं कि कितना भी चल सके ज़्यादा से ज़्यादा चलें आज के दिन, क्योंकि कल शाम तक हम कोशिश ये कर हमारी ये रहेगी कि कल शाम तक हम अमरकंटक पहुंच जाएं। तो चलिए चलते हैं और अपनी यात्रा जारी है नर्मदा परिक्रमा की, और आप इस नर्मदा परिक्रमा का आनंद लीजिए। दोस्तों देखिए, अभी हम दूधी आश्रम से करीब 5-6 किलोमीटर आगे आए हैं और ये एक गांव है, और तो इधर का कोई भरोसा नहीं है, नाश्ता वास्ता कहाँ मिलता है, खाना कहाँ मिलता है, तो इसलिए हम सबसे पहले यहाँ नाश्ता करते हैं। तो हमने नाश्ते में लिए हैं समोसे और चाय, तो आपको दिखलाते हैं। देखिए इस तरह का ये होटल है और ये गरम गरम समोसे, और अभी हम हमारी चाय आती है इस तरह से। ये यहाँ पूरा गांव है, छोटा सा घर है, ये घर है और छोटा गांव है, और ये भैया जी ये समोसे बना रहे हैं। दोस्तों देखिए, हमने यहाँ ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम अमरकंटक के लिए अब रवाना हो चुके हैं, और कोशिश करेंगे आज हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा चल सकते हैं चलेंगे। बेनीबारी पहुंचने वाले हैं, वहाँ दूधी आश्रम से जो चले थे, ये बेनीबारी की दूरी करीब करीब 20 किलोमीटर की है, तो हमारी यहाँ तक 20 किलोमीटर की राइड पूरी हो जाएगी, और 20 किलोमीटर में कम से कम हम 10 किलोमीटर पैदल चले हैं, क्योंकि जितना रास्ता सही मिला उससे ज़्यादा हमें चढ़ाई मिली। तो यहाँ के रास्ते प्लेन बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी अगर ढलान आएगी तो उससे ज़्यादा दुगनी चढ़ाई आती है। दोस्तों अभी हमने यहाँ बेनीबारी में एक चाय की दुकान पर रुके थे, और हमने यहाँ थोड़ा 15-20 मिनट का ब्रेक लिया और चाय पीने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ तक हम पहुँचते हैं। तो यहाँ से अभी राजेंद्र ग्राम जो है करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहाँ तक हमारी आज 50 किलोमीटर ही राइड हो पाएगी, क्योंकि ये रोड बहुत ही ऊपर खाबड़ और ऊंचा नीचा है, मतलब थोड़ी चढ़ाई थोड़ी उतार आएगा फिर उससे दुगना चढ़ाई आएगी। तो यहाँ अमरकंटक तक ये चढ़ाई है। तो दोस्तों आज बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, तो अभी मैं राजेंद्र ग्राम पहुँचने के बाद वहाँ कोई व्यवस्था देखता हूँ रुकने के लिए, आज मैं वहीं स्टे करूँगा। फिर उसके आगे एक घाटी पड़ेगी जो कि कल बहुत मुझे 5 या 6 किलोमीटर की घाटी है, उसे पार करना है पहाड़ को। फिर उसके बाद अगर हो सका तो मैं शाम को अमरकंटक पहुंच जाऊंगा, नहीं तो परसों सुबह पहुंचूंगा रात को कहीं स्टे करके। कल की मैं पोजीशन देखता हूं, क्योंकि यहां से ज़्यादा, क्योंकि ये एक हिल स्टेशन है अमरकंटक, और चढ़ाई है काफ़ी। तो देखते हैं हम कल कितना चलते हैं, और आज तो खैर मैं राजेंद्र ग्राम में पहुँच करके ही स्टे करूँगा। तो देखिए किस तरह का ये रोड है, हम नीचे से आ रहे हैं, कितनी चढ़ाई है, और ये देखिए पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ, और ये ऊपर ये जो रोड आप देख रहे हैं इधर हमें जाना है। तो कह नहीं सकते अभी किधर, अमरकंटक तो चढ़ाई है। दोस्तों देखिए, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है राजेंद्र ग्राम, और अभी हम कुछ ही मिनटों के बाद हम राजेंद्र ग्राम पहुँच जाएंगे। तो वहाँ देखते हैं क्या पोजीशन है रुकने की, तो मैं पहले तो ठिकाना देखेंगे रुकने के लिए, और जहाँ तक है आज हम यहीं पर ही स्टे करेंगे राजेंद्र ग्राम में, और आज हमको काफ़ी थकान हो गई, क्योंकि ये रोड ही ऐसा था कि चढ़ाई सबसे ज़्यादा है। हेलो दोस्तों, देखिए इस समय मैं राजेंद्र ग्राम में आया हुआ हूँ, जो कि इस समय 5:30 बज रहे हैं, और मैं जो है यहाँ से जो है अमरकंटक जो है 35 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आज मैं यहाँ स्टे करूँगा, और मैं आपको अभी दिखलाता हूँ जहाँ मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। यहाँ एक मंदिर है और एक ये आश्रम है, ये मंदिर है
और ये आश्रम है जो मैं बताऊँ आपको। और ये मेरा टेंट है, मैंने अपना टेंट लगा रखा है। ये मेरा टेंट, ये मेरा साइकिल। तो दोस्तों देखिए, आज मैं अपना यह व्लॉग यहीं समाप्त करता हूं, और हो सकता है कि कल मेरा एक पड़ाव जो है रत्ना सागर से अमरकंटक तक का पूरा हो जाएगा। कल मैं अमरकंटक जहां तक है पहुंच जाऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस नर्मदा परिक्रमा में, और मैं आपको डेली की डेली अपडेट देता रहूँगा। और मेरा कुछ कभी कभी वीडियो नहीं आता है क्योंकि नेटवर्क की समस्या रहती है। तो दोस्तों मैं आपके लिए लाता रहूँगा इस नर्मदा परिक्रमा की अपडेट। तो चलते हैं और विश्राम करते हैं। धन्यवाद।